Hello everyone and welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, हमारा जो आज टॉपिक होगा वो होगा एक नया चैप्टर. ओके, तो हम आज बात करेंगे यस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ओके, किस तरह से एक्चुअली जो लाइफ है उसका ओरिजिनेशन हुआ है इस प्लैनेट में. वी नो दिस वेरी वेल कि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जो टोटल प्लैनेट्स हैं उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है. ठीक है, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, इनफैक्ट एनिमल एंड अदर स्पीशीज, एवरीवन लिव्स ऑन दिस प्लैनेट, राइट. तो हमारे साथ साथ ये सभी यहीं पे सर्वाइव करते हैं. ऐसा नहीं है कि यू नो प्लांट हमारा जुपिटर से आया है. नो, एवरीथिंग यहीं पे हुआ है, जो भी हुआ है, राइट. सो अर्थ में ही सारा जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ फॉर्म्स हैं, वो पॉसिबल है. रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे हमें यू नो जो हमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक लाइफ के, ऐसे समझ लो कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं एक लाइफ के वो यहीं पे मिलते हैं हमें. ओके, फ्रॉम दी एयर दैट वी ब्रीथ, एक्चुअली दी ऑक्सीजन, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एवरी थिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. सो दैट इज़ वाई लाइफ इज़ पॉसिबल. बट ये जो एवोल्यूशन है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हम ये यू नो बायो में क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है? बिकॉज हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, इवॉल्व का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब जो वेरी फर्स्ट, अगर हम पहले यू नो वेरी फर्स्ट अगर हम स्पीशी की बात करें, स्पीशीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जो कि हमारे इस प्लैनेट में यू नो आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब यू नो एक साथ आ गए हैं. नो, धीरे धीरे टाइम के साथ उनका इवॉल्वमेंट हुआ है. ठीक है, वो इवॉल्व हुए हैं, इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो अगर हम बात करें इस प्लैनेट की, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे इस प्लैनेट में, जो लाइफ पॉसिबल हुई होगी मिलियंस ईयर्स अगो इनफैक्ट, तो वो क्या हुए होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए होंगे. क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर बहुत ही प्रिमिटिव यू नो एक प्रिमिटिव फॉर्म है. उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वी नो दिस वेरी वेल कि एक जो लाइफ है, एक जो बॉडी है, इनफैक्ट एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनमें क्या है? उनमें सेल है. ठीक है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, उन्हीं सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, एक फुली डेवलप्ड यू नो ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है. तो ये जो सेल है एक बेसिक यूनिट है ना. तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो जो सबसे पहले यू नो ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट में आए होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, क्योंकि सिंगल से तभी तो मल्टीपल में आते हैं. ऐसा थोड़ी कि मल्टीपल है तो मल्टीपल से अब कल वो यूनिसेलुलर हो जाएगा. नो, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. सो यूनिसेलुलर होंगे वो, एंड यूनिसेलुलर का मतलब दे आर मोर प्रिमिटिव, है ना, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है उनका. प्रिमिटिव कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म किन से बने हैं? सेल से बने हैं. ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी यू नो लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का. तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं, सेल में जो पार्ट्स होते हैं जो कि एक लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है, वो जो सेल के कॉम्पोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, वो इतने फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं. ओके, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दीज थिंग्स, उनमें वो डेवलप इतना नहीं होता है. तो अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, हम इसको कई तरह से हम देखेंगे. बिकॉज यू नो सिर्फ अभी यूनिसेलो मल्टी की बात नहीं करेंगे, इनफैक्ट अभी हम और भी चीज़ों की बात करेंगे कि एवोल्यूशन एक्चुअली हुआ कैसे, अगर हम मैन की बात करें तो स्पेशली. बट अगर हम सबसे पहले से शुरुआत करें, सो हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ही स्टार्टिंग हुई होगी, उन्हीं से जो स्टार्टिंग है वो हुई होगी इस प्लैनेट की. ठीक है, और ये जो यूनिसेलुलर होंगे ये कैसे होंगे? ये काफी प्रिमिटिव होंगे, जिनमें क्या होगा कि जो सेल पार्ट्स हैं या फिर सेल ऑर्गेनल हैं, नॉट यस,
तो जो सेल ऑर्गन्स हैं, सेल पार्ट्स हैं, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर स्पीशीज हैं। चलो हम ये भी समझ गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो स्टडी हो रही है, बिकॉज हम अगर मैन की बात करें, सो हमारा तो जो ये अर्थ, अगर हम बात करें अर्थ की, सो इस पर हक जो है बेसिकली ये इन्हीं का ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही आए हैं। अगर हम मैन की बात करें तो हम तो काफ़ी टाइम बाद हमारा जो है एवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से हम हम सस्टेन कर पा रहे हैं। सो इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में या फिर वन टू ईयर्स में हुआ है, ये इनफैक्ट मिलियंस ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है तब जाके इनका इवॉल्वमेंट हुआ है, इवॉल्व हुए हैं तब ये, ठीक है, और फिर एवोल्यूशन के थ्रू हम आज बने हैं। ओके, सो यस, ये है हमारा एवोल्यूशन। तो ये जो स्टडी है पूरे एवोल्यूशन की, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की है, ठीक है। तो हम कुछ थ्योरीज देखेंगे, ऑलराइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम फादर की बात करें, फादर ऑफ एवोल्यूशन, वो ऐसा इंसान जिसने एक्चुअली ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है इसको मोस्ट प्रोमिनेंट, मोर सक्सेसिव अगर हम थ्योरी की बात करें, सो वो हैं हमारे चार्ल्स डार्विन, राइट। तो इनका जो है, इनकी थ्योरीज पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज इन्होंने जो थ्योरी दी है वो हमारे जो आज के टाइम के लिए अगर हम बात करें तो वो एक मोर प्रोमिनेंट है कंपेयर टू अदर साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि अदर के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ओके, जिसको वो एक्सप्लेन करने में इतना उनके पास इतना नॉलेज नहीं था उस चीज़ को एक्सप्लेन कि वो करें, उसका स्टडी इतनी अच्छे से क्लियरली नहीं हो पाई थी, सो दैट इज़ वाई। ओके, सो यस, अगर हम इवोल्यूशन से स्टार्ट करें, सो आई थिंक हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये कैसे आए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत से हम शुरू करेंगे, ओके, एंड देन हम एवोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे, ओके। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है, बहुत सिंपल ये टॉपिक है, बहुत सिंपल ये चैप्टर है, अगर आप अपने से रिलेट करके चलोगे सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ओके। तो हम कई बार कहते हैं कि अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन की, तो आपने एक इमेज देखी होगी जिसमें एक मंकी होगा, ठीक है, उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ सेम होंगे, एंड उसी से इवॉल्वमेंट हुआ है आज के मैन का, राइट। सो धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुआ है, तो ये इमेज जो है आपने कई टाइम देखी होगी, सो इसी को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ओके। सो यस, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज दिस एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज द चेंज, ठीक है, अगेन एवोल्यूशन वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, तो थिंग्स इवॉल्व विद टाइम, सो यही रीज़न है, क्योंकि एवोल्यूशन जो है ये चेंज है जो कि ज़रूरी है। अगर ये जस्ट इन केस अगर सोचो एवोल्यूशन ना हुआ होता तो क्या इस प्लैनेट में हम होते? डेफिनेटली नॉट मैम, राइट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए हैं शायद सिर्फ वही होते, राइट, अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो। एवोल्यूशन इज द नेसेसिटी फॉर द लाइफ, राइट। सो एवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जेनरेशन, ओके। वक्त के साथ जेनरेशन टू जेनरेशन चीज़ें क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, राइट। एंड ये जो ऐसा नहीं है वन टू टू जेनरेशन, इनफैक्ट मिलियंस ईयर्स लगते हैं चीज़ों को इवॉल्व होने में। ये जो यूनिसेलुलर से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, मिलियंस ईयर्स लगे हैं, ओके। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ जीन दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यस। सो वी नो दिस वेरी क्लियरली कि ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारे जो इस प्लैनेट में सबसे पहले जो आए वो कौन थे, यूनिसेलुलर आए होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म, द फर्स्ट कौन होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए होंगे, ठीक है। एंड ये अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं
ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो कैसे पहुँचे होंगे कि इन्हीं का क्या हुआ होगा, रिप्रोडक्शन हुआ होगा। वी नो दिस वेरी वेल कि रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। एंड वी ऑल्सो नो कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन है सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स में ही होता है, इनफैक्ट सब में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बट उनका जो तरीका है वो डिफर करता है। सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सम सेक्सुअली, राइट। तो एसेक्सुअल के भी एग्जांपल्स हैं, बर्डिंग हो गया, यू नो फ्रेगमेंटेशन हो गया, ऑल दीज थिंग्स। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो अभी हमने इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट किया है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। तो वो आपको क्लियर होगा, आप जानते हो वो सारी चीज़ें। तो यस, ये जो रिप्रोडक्शन है इसी के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, देन फ्रॉम अनदर, देन फ्रॉम अनदर, देन फ्रॉम अनदर, इस तरह से जो जीन है वो पास ऑन कर रही है। एंड उसी में क्या हो रहा है, वैसे ही एवोल्यूशन भी हो रहा है। अगेन, ये ऐसा नहीं है वन टू टू जनरेशन की बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट मिलियंस ईयर्स, ओके, इसको लगते हैं इन सब चीज़ों को इवॉल्व, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें। सो यस, सो ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या है, जो आपका कंटिन्यूएशन है स्पीशीज का वो हो रहा है, ओके। सो ये ध्यान में रखना। यस, नाउ यस, अगर हम बात करना चाहेंगे एवोल्यूशन की बेसिकली, राइट। तो एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्पीशीज से स्टार्ट करें तो ये क्लियर नहीं होगा आपको कॉन्सेप्ट, तो हम बात करेंगे शुरुआत से, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट्स नॉट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, इट्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ठीक है, ये सोच जो है ये कहाँ से बनी है कि एक यूनिवर्स होगा, उसमें प्लैनेट्स होंगे, उसमें जो अर्थ है उसमें होगा आपका लाइफ, राइट। एंड लाइफ के बाद उसमें पहले आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, राइट। एंड फिर उसके बाद से धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा जिससे एक मैन डेवलप होगा, ओके। सो ये सारे जो थॉट्स हैं ये कैसे आए, इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करें, सो एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ओके, बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है अगर हम बात करें कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, ओके। सो द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग मॉडल, ओके, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, ओके, which states that the universe began as an incredibly hot, dense point roughly 3.7 billion years ago. Okay, in fact, sometimes it's written 10 to 20 billion ago. Okay, but exactly it's somewhat 13.6 or 13.7 billion ago. Okay, so एक छोटे से point से शुरुआत हुई है यूनिवर्स की, ये कहा गया है बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है। एक छोटा सा हॉट डेंस पॉइंट, ओके, इट्स अ एक्सट्रीमली हॉट, अनइमेजिनेबल हॉट एंड डेंस पॉइंट, अ स्मॉल पॉइंट जिसमें क्या हुआ है, रीजन कुछ होगा जिसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन हुआ, ओके। एंड उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ कि जो डिफरेंट यू नो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून हैं, ऑल दीज थिंग्स, इनका जेनरेशन हुआ, इनका ये जो है ये अलग हुए उस एक स्मॉल डॉट से। ये सिंपलेस्ट हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें बिग बैंग थ्योरी मॉडल तो वो यही है, ओके। तो यहीं से शुरुआत हुआ हमारे यूनिवर्स का, एक स्मॉल डॉट से जो कि एक्सट्रीमली हॉट है, एक्सट्रीमली डेंस है, ठीक है। तो उसी स्मॉल यू नो पॉइंट से स्टार्ट हुआ है हमारा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी,
या सो इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी. तो ये है हमारे बिग बैंग थ्योरी के यू नो जो जिन्होंने प्रपोज किया, जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया. सो यस, जो एक्सप्लेन करते हैं, जो प्रपोज करते हैं, उन्हें हम फादर बोलते हैं, राइट. सो ही वॉज द फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी, ऑल राइट. एंड दिस इज हाउ ही लुक्स लाइक इन 1927. ओके, अब बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड अ कैथोलिक प्रीस्ट जॉर्ज लेमेट्री, ओके, ही प्रपोज्ड द बिग बैंग थ्योरी, ऑल राइट. तो ये जो थ्योरी है जो मैंने बताया कि एक स्मॉल डॉट, सी एक स्मॉल डॉट, वेरी स्मॉल डॉट विच इज हॉट एंड विच इज डेंस, इसमें एक्सप्लोजन हुआ. यू कैन नॉट इमेजिन इन फैक्ट कि हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन, बट यू नो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी विच विच इज समटाइम्स ट्रू, यू नो विच इज एक्चुअली द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, कि ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे यूनिवर्स का. सो लेट्स सी वॉट इट इज. सो यस, ये जो डॉट है वो कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है. एग्जैक्टली नोबडी नोज कि हाउ एक्चुअली द डॉट लुक लाइक, बट यस दिस इज जस्ट एन यू नो इमेजिनरी डॉट, राइट. यू कैन से दिस इज हाउ इट्स अ वेरी पावरफुल डॉट, बिकॉज हम सब यू नो सारे प्लैनेट, सारे यू नो जितने भी हमारा पूरा यूनिवर्स है वो सारा यहीं से शुरू हुआ है, इसी की वजह से शुरू हुआ है. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ पावरफुल दिस इज बी, ओके. तो ये आपने ज्योग्राफी में भी इनफैक्ट पढ़ा होगा. सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दीज यू नो दीज टॉपिक्स आर वेरी एक्साइटेड एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज आई रियली लाइक टू यू नो स्टडी ऑल दीज थिंग्स. सो यस, आई होप आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, इन द सिंपलेस्ट वे. सो यस, ये क्या है, ये एक छोटा सा डॉट है विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस एज यू कैन सी. एंड इन्हीं में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, ओके, जिसकी वजह से ये सारे यू नो जो पार्टिकल्स हैं, जो ये हम पार्टिकल्स ही बोलेंगे क्योंकि यू नो इन्हीं में हुआ है वो चीज़ें, तो ये यूनिवर्स पूरा बना है हमारा, ठीक है. एंड अगेन ये सब बहुत जल्दी नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको होने में. एंड फिर अगर ये हॉट है सो ऑब्वियसली उसके जो यू नो उससे जो एक्सपेंशन के थ्रू ये सब जो चीज़ें आई होंगी यूनिवर्स में वो भी एक्सट्रीमली हॉट होंगी, तो उसको भी टाइम लगा होगा थोड़ा कूल डाउन होने में, राइट, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होने में. सो लाइक दिस वे, सो इट इज़ अ थ्योरी दैट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड सम टाइम बिटवीन 10 बिलियन एंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, ओके. सो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन द बिलियन एंड million, okay, it's the billion, okay, billion, because I have seen a lot of people you know confused with the million and billion. So make sure dhyan rakhna is cheez ko, theek hai. From an expansion of a small volume of matter at an extremely high density and temperature, yes, you cannot exactly calculate, you cannot imagine how hot this particle is would be, okay. So yes, इसी छोटे से dots के through, इसी छोटे से dot की वजह से इसमें expansion हुआ है कुछ 10 to 20 billion years ago और somewhat 13.6 billion ago, ठीक है. ये expansion हुआ है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई हैं, ठीक है. And इनका temperature से लेके इनकी you know density से लेके सब कुछ extremely high है, ओके. सो द बिग बैंग थ्योरी इज द वे वी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड फॉर द क्रिएशन ऑफ आर यूनिवर्स. हमारा ये जो यूनिवर्स है किस तरह से क्रिएट हुआ है, ठीक है. सो ये थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है, ओके. So it is the model that describe the early discovery of it. ठीक है, तो ये जो early you know discovery है from the point कि जहाँ से शुरुआत हुई है हमारे यूनिवर्स की, ठीक है, तो ये थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करती है, ओके. यस,
So this theory indicates that in the past these elements were closer than today. So if we go back in the time, then all the stuffs was together at one point. ठीक है, एक सिंगल पॉइंट, ये देखो एक सिंगल पॉइंट है, यहीं पे शुरुआत अगर हम देखें मिलियन, अगर हम बिलियन ईयर्स अगो जाएं, सो ये सारा जो था ये एक डेंसली पैक्ड डॉट में था, आप समझ लो. ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली हॉट है, एक्सट्रीमली डेंस है. ठीक है, एक छोटे से पॉइंट में है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मैटर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो हैं. ठीक है, इन अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी विच वॉज अ फायर बॉल. And that is why it's known as fireball, because of extremely high temperature, right? And all these things. So fireball is a ball which you know exactly, जो कि extremely hot है actually, and it's just a single dot. ठीक है, तो that is why जो हमारा universe है वो यहीं से इसी तरह से originate हुआ है, from a single point, okay, which is extremely hot and dense. तो यही है हमारा बिग बैंग थ्योरी. ओके, यस यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. या आई फॉरगॉट, यस यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. दीज आर गोइंग टू एनहांस योर आंसर, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. नाउ यू डोंट नीड टू हैव अ क्लोजर लुक, और यू डोंट हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द बिग बैंग, इट जस्ट दैट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग द होल यूनिवर्स वॉज टुगेदर एट वन सिंगुलैरिटी. ओके, देर वॉज अ बिग बैंग. ओके, दैट मीन्स सेपरेशन, which resulted in the formation, okay, which resulted, wait. Yes, so which resulted in the formation of galaxies, and these galaxies then divided to form stars, planets, sun, moons, etc. ये हमारी सारी galaxy है, right? So the origin of the universe was unique, absolutely it is unique. Ki how you know, just from a small dot all these things can happen, hai na, iske you know, agar hum isko separate karenge, small dot jo hai iske andar jo bhi hai, agar isko separate karenge to ek itna pura hame universe milega, stars, moon, everything, they all in agar hum inki baat karenge khud mein hi itne bade hain, itne you know, itne important hain. सो ये सिर्फ एक सिंगल डॉट के अंदर थे. सो यस, इट इज़ यूनिक, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अक्रेंस बाय चांस इज ज़ीरो. यस, ऐसा नहीं है कि बाय चांस हो गया ये. ठीक है, देर आर देर माइट बी सम रीजन्स, ओके, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं. ओके, सो यही है हमारा बिग बैंग थ्योरी. ओके, या तो टेक अ स्क्रीन शॉट. Now origin of life. अब हम समझ रहे हैं कि यूनिवर्स जो है हमारा कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इनिशियल यू नो स्टेप क्या थी, यूनिवर्स कैसे बना. अब देखो, यूनिवर्स बन गया, प्लैनेट बन गया, मून आ गए, स्टार्स आ गए, सन आ गए, सब कुछ हो गया. अब क्या होना है अर्थ में लाइफ. ठीक है, लाइफ कैसे आएगी, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट मीन्स कि हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस प्लैनेट एंड वाई ओनली दिस प्लैनेट. ओके, सो दिस इज गोइंग टू वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पे भी कि हाउ ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एवोल्यूशन थ्योरी, कि लाइफ तो आ गई और उसके बाद से ओरिजिनेट हो गई लाइफ,
और फिर धीरे धीरे जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, राइट, तो एवोल्यूशन किस तरह से हुआ. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. ऑल राइट, आई एम हियर फॉर यू. आई विल रीड योर क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई. ओके, डोंट वरी. सो येस, टिल देन जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, डू रीड योर टेक्स्ट बुक, स्टडी वेल. ओके, थैंक यू.